अमीन हफीज साहब आ गए हैं लीचियों के बाग में, मेरे आगे मेरे पीछे मेरे दाएं बाएं मेरे हाथों में हर तरफ है लीची लीची। आज हम आपको लीची बाग दिखाएंगे और ख़ुद भी दरख्त से लीची तोड़ते हुए भी दिखाएंगे और वो हवातीन भी दिखाएंगे जो लीचियों के इस तरह के प्यारे प्यारे गुच्छे भी बनाती हैं। फिर आपको गांव की जो मिस्सी रोटी है वो भी दिखाएंगे, मिस्सी रोटी पर मक्खन और साग भी दिखाएंगे और फिर कच्ची लस्सी भी आपको पिलवाएंगे। और लीचियों के बाग में जो पंप होता है पानी पीने वाला, हम उससे पानी भी पिएंगे। आज हम क्या करेंगे, लीचियों के बाग की सैर करेंगे। अमीन हफीज लीचियों के बाग में घूम रहे हैं और यहाँ इतनी इतनी प्यारी लीचियाँ हैं और ये जहाँ भी देखो लीचियाँ लीचियाँ नज़र आती हैं और ये देखो जी चाहता है कि सारी लीचियाँ तोड़ के खा लूँ, लेकिन ज़ाया नहीं मैं करूँगा, मैं वही लीची तोड़ूँगा जो मुझे खानी होगी। ये देखें इतनी इतनी प्यारी ये लीचियाँ हैं, ये मैंने खुद तोड़ी है और अब मैं ये लीची खाता हूँ और ये आप देखें क्या बात है। ओ दरख्त से लीची तोड़ के खाने का जो मज़ा है वो तो मैं जब खाऊंगा तभी मुझे मज़ा आएगा। वाह 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 क्या बात है। अभी मैं और देखा लीचियों के बाग में आया हूँ, कोई लीचियों की कमी है, जहाँ मुझे अच्छी लीचियाँ मिलेंगी वहाँ मैं जो लीचियाँ तोड़ कर फिर दोबारा खाऊंगा। और इधर भी मुझे लीचियाँ नज़र आ रही हैं लेकिन अभी इनके कोई कलर मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं सुरख लीचियाँ पसंद करके सुरख लीचियाँ खाऊंगा। और इधर मैं देखता हूँ वो इधर तो बहुत ज़्यादा लीची है, क्या बात है क्या बात है। ये है कुदरत का करिश्मा और अल्लाह ताला की नेमत और इतना प्यारा फल जो खाता है बार बार खाता है। लीची के बारे में मैं एक बात बता दूं कि ये बड़ा नाजुक फल है और बहुत थोड़े से दिनों के लिए आता है और जो फौरी तौर पे इस लीची को नहीं खाता वो फिर पछताता रहता है। आगे हम आगे चलते हैं। आपने लीची खाई होगी, लीची के बाग भी देखे होंगे, लेकिन कभी आपने सीरी पे चढ़ के दरख्त पे जाके कभी लीची नहीं तोड़ी होगी। ये काम आज अमीन हफीज साहब करेंगे, सीरी के ज़रिए दरख्त पर जाएंगे और फिर अपने टारगेट को छुएंगे और वो टारगेट है लीची। ये लगता है कि मैं लीची के पास आ गया हूँ, ये देखें लीचियाँ ही लीचियाँ हैं, लीचियाँ ही लीचियाँ हैं और ये ताज़ा दरख्त की लीची अभी मैं तोड़ के खाता हूँ। वाह जी वाह, ये देखें मैंने लीची तोड़ी है और ये फिर लीची खाऊंगा और मज़ा मुझे आएगा, देखिएगा आप। ताज़ा लीची खाने का अपना ही मज़ा है। अब हम दरख्त से लीची तोड़ेंगे। ये लीची अमीन हफीज साहब ने तोड़ ली है दरख्त से खुद। ये देखिए सीरी पे चढ़ के दरख्त पे जाके लीची अमीन हफीज साहब ने तोड़ ली है। मैंने आपको लीची बाग में लीचियों के दरख्त दिखाए और फिर लीचियाँ
तोड़ते हुए भी दिखाया। अब दोपहर का वक्त आ गया है, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है और यहाँ पर बाजियाँ जो हैं वो मिस्सी रोटियाँ पका रही हैं तंदूर में, और इतनी प्यारी रोटियां हैं कि मेरा जी चाह रहा है कि अभी मैं तंदूर से निकाल के वो मिस्सी रोटी खा लूं, और जो मज़ा आएगा लीची खाने के बाद मिस्सी रोटी का वो तो ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले यहां पर ये आटा है, ये देखिए मैं इस आटे को अब इस आटे के ऊपर मैं लगाऊंगा बेसन, आटे के ऊपर लग गया बेसन। अब मिस्सी रोटी हो गई है तैयार, मगर अभी है कच्ची, इसको लगाना है तंदूर में। और चूंकि मुझे तजर्बा नहीं, बाजियों को तो बहुत तजर्बा है, मैं अपने हाथ पे पहले लगा लेता हूँ रुमाल ताकि ये मेरा हाथ जल ना जाए। ओ गलती हो गई, ये ऐसे लगाते हैं, और अब मैं लगाऊंगा इसको तंदूर में। और लग गई, अमीन अफीफे मिस्सी रोटी लगा दी है, तंदूर में भी लगा दी है। अब मुझे शौक हुआ है एक रोटी मैं और तैयार करूंगा। ये है मेरा आटा, अब इस पेरे पे लगाऊंगा मैं बेसन। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रुमाल के बगैर ही रोटी लगाता हूँ। ये देखें, और लग गई दूसरी रोटी भी, आमीन अफीज ने मिस्सी रोटी लगा दी है। अब मैं तंदूर में जो पहले रोटी लगाई थी उसको तंदूर से निकालता हूँ मिस्सी रोटी को, और मैं देखता हूँ, ये देखें मिस्सी रोटी पक गई है, मिस्सी रोटी पक गई, मिस्सी रोटी पक गई। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे मक्खन, फिर उसके ऊपर रखेंगे हम पालक, और फिर उसके बाद हम खाएंगे। अब अगले मरहले में चलते हैं। अमीन अफीज साहब ने अपनी बनाई हुई मिस्सी रोटी हासिल कर ली है, अब मरहला है इसमें मक्खन और बाकी लवाजमात लगाने का। तो सबसे पहले अमीन अफीज साहब मक्खन लगाते हैं, ये देखें, ये जो कहते हैं ना मक्खन लगाएं तो काम हो जाता है, अब हम लगाते हैं मिस्सी रोटी पर मक्खन, और फिर काम क्या होगा, पेट भर जाएगा, मज़े मज़े के चस्के भी आएंगे। और आप ये देखें मैं मक्खन लगा रहा हूँ रोटी के ऊपर, जो मक्खन बच जाता है उसको रोटी के ऊपर ही रखते हैं ताकि बाद में मक्खन के साथ डिप करके ये मिस्सी रोटी खाई जाए। अब मैं इसके ऊपर बनाता हूँ, खास किस्म की चटनी तैयार है जो मिस्सी रोटी के साथ खाने का मज़ा ही दुबाला है। अब हो गई है मिस्सी रोटी मुकम्मल तैयार, उसमें मक्खन लग गया, मसाला लग, अब अमीन अफीज साहब इसमें साथ चाटी वाली लस्सी पीकर फिर जो मज़ा आएगा मैं वो मज़ा आपके साथ शेयर करूँगा। वाह जी वाह, वाह जी, जबरदस्त जबरदस्त, अमीन अफीज साहब की चाटी वाली लस्सी आ गई है। अमीन अफीज साहब ने खुद तंदूर में जो मिस्सी रोटी तैयार की थी वो आप दोबारा देखें, अगर से थोड़ी थी वो जल गई है लेकिन बर्दाश्त कर ले, मेरे हाथ पर भी जो तंदूर की वो जो आग होती है हल्की सी वो भी लगी है, सूं सूं भी मुझे हो रहा है। और अब मैं इस मिस्सी रोटी को मक्खन और इस मसाले के साथ खाऊंगा। गांव में भी आए, मिस्सी रोटी भी बनाई,
और मिस्सी रोटी खा भी रहे हैं। अब अमीन हफीज साहब पियेंगे चाटी की लस्सी। ये दूध दही की लस्सी नहीं है, गांव की असली चाटी की लस्सी है। इतना मजा आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ पहले ये मिस्सी रोटी का जायका टेस्ट करूं। अमीन हफीज साहब ने मिस्सियां रोटी खाई मक्खन और खसूसी चटनियों के साथ, और ये देखिए मेरे हाथों पे मिस्सी रोटियों के निशानात है, और मिस्सी रोटी पकाते हुए मुझे यहाँ पर जलन भी हो गई है। मेरे कुछ ही सा यहाँ स्किन का वो जो तंदूर का वो आग का सेक था वो भी लग गया है। अब चूंकि गांव में आया हूँ, टिश्यू पेपर मुझे यहाँ मिल नहीं रहे थे। ये पम्प है और इस पम्प से अब मैं हाथ धोऊँगा। सॉरी ऐनक उतारी नहीं मैंने, कोई बात नहीं, अब ऐनक के साथ ही चलेगा। वाह, आज तो बहुत मजा आया। अमीन हफीज साहब ने लीचियों के बाग में इतना खूबसूरत दिन गुजारा कि मैंने लीचियों के बाग में दरख्त के ऊपर सीढ़ियों के साथ चढ़ के मैंने लीचियाँ भी तोड़ी। लीचियाँ मैंने तरोताज़ा दरख्त से उतार के लीचियाँ खाई, और फिर तंदूर में मिस्सी रोटी मैंने खुद अपने हाथ से पकाई, और उसके ऊपर मक्खन और दीगर लवाजमात लगा के मैंने खाए, और इतना मज़ा आया। चाटी वाली लस्सी का तो कोई जोर ही नहीं। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़।